तो ये जो व्यू आप देख रहे हो ना, ये है जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बगवां का, ये उसी की लोकेशन है सारी, उसी के आसपास का व्यू है। और ये है वो कॉलेज, और ये देखिए सारा उसके आसपास का ही सारा व्यू। गए थे हम उस साइड, तो मैंने थोड़ा सा बना लिया था वीडियो, मैंने कहा चलो डाल दूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल हम और हमारा हिमाचल। और आज है बुधवार, और अभी मैं सारा काम करने के बाद नहा के आ गई हूँ, अभी बनाऊँगी मैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट मैंने मैक्रोनी बनाई थी, और उसके बाद ना फिर ये मैं अचार मिक्स कर लिया था और उसको डिब्बे में डाल रही थी, यहाँ पर वही डाला मैंने डिब्बे में। और अभी आटा आया था, नया आटा लाए थे मतलब, तो ये जो पुराना बच गया था ना थोड़ा सा, इसको मैंने निकाल के फिर दोबारा से छान के फिर डालना था ऊपर से। और ये सारा आटा जो नया लाए है ना, उसको सारे को छान के रखूँगी मैं, क्योंकि आजकल बरसात का टाइम और आजकल अनाज को मतलब स्टोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अनाज कोई भी हो, आटा हो, चावल हो, दालें हो, मसाले हो, यहाँ तक कि मिर्ची पाउडर होगा ना, वो भी ख़राब हो जाता है, सब में कीड़ियाँ पड़ जाती हैं। मैंने पिछली बार जो आटा आया था ना, वो भी छान के रखा था, और पर अब तक आते आते उसमें वही वैसे मतलब कुछ जम सा गया ऐसे, तो वही मैंने ऊपर से निकाला, मैंने कहा बाद में डाल दूँगी उसको ऊपर से, वो पहले मैं ये वाला आटा छान के नीचे डालूँगी। छानना तो बाद में पड़ेगा डेली, क्योंकि बरसात का मौसम है, पता नहीं होता कब जैसे ख़राब हो जाए, तो बिना छाने तो नहीं यूज़ करेंगे। पर अभी ये कहते हैं कि एक सारा बुरा एक साथ निकाल देंगे, तो फिर जल्दी ख़राब होने की नहीं रहती ना, कि डर नहीं रहता कि जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर बैठ कर छान रही थी। आजकल के मौसम में ना ये प्रॉब्लम रहती है, सर्दियों में नहीं होता, सर्दियों में जैसे मर्जी रखो चीज़ कई दिन तक चलती है, उस टाइम तो देखने की भी नहीं पड़ती ज़रूरत कि ख़राब हो गई होगी। लेकिन आजकल तो अगर 4 दिन आप चीज़ ना देखो ना, तो उसमें फिर वही ख़राब हो जाती है, और फिर साफ़ करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए करना पड़ता है बरसात के दिनों में। और अभी फिर इसको करने के बाद ना मैं बनाऊँगी लंच, और लंच में आज मैंने बनानी है दाल मखनी, तो उसी की रेसिपी बताऊँगी मैं आज आपको दाल मखनी की। तो अभी देखिए ये मैं बना रही हूँ लंच, और लंच में मैंने दाल मखनी की ये ना उड़द की दाल की मैंने एक कटोरी ले ली है, और साथ में एक एक मुट्ठी ले ली मैंने राजमा और चने की दाल की। आप दोनों में से एक भी डाल सकती हैं, ज़रूरी नहीं दोनों डालनी है, मैं तो ऐसे ही चलो मैंने कहा दोनों ही डाल देती हूँ। तो एक कटोरी उड़द की दाल और एक एक मुट्ठी ले ली मैंने राजमा और चने की दाल, और इसको अच्छे से वॉश करके ना अब मैं बॉयल करने के लिए रख दूँगी। ये देखिए कुकर में पानी डाल के मैंने इसको बॉयल करने के लिए पानी डाल दिया है, और इसके साथ ही ना मैंने तेज़पत्ता और वो क्या बोलते हैं उसको दालचीनी और हींग नमक हल्दी सब कुछ साथ में मिला दिया है, और ये सब चीज़ें डाल के फिर मैं इनको बॉयल कर लूँगी। और बॉयल करने के लिए ना 1-2 सीटी लगवाऊँगी, और उसके बाद फिर कम आँच कर दूँगी, बिल्कुल कम आँच पर धीरे धीरे ये पकती रहेगी। तो फिर अभी देखिए ये पक रही है मेरी दाल, और ये देखिए 1.5 घंटे में दाल जो थी वो तैयार हो गई थी, 2 सीटियाँ लगने के बाद फिर मैंने कम आँच कर दी थी, तो ये मेरी दाल जो बिल्कुल गल के तैयार हो गई है। अभी मैं इसको तड़का लगाऊंगी, तो तड़के के लिए मैंने ये कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में मैंने अभी डालूंगी मैं देसी घी। आप ऑयल भी डाल सकते हो इसमें, ज़रूरी नहीं कि देसी घी ही डालना है, क्योंकि ये चीज़ें डालने से ज़्यादा फैट हो जाता है। तो देसी घी डालने के बाद फिर मैं इसमें मेथी दाना तो पहले डाल दिया था, अभी जीरा डाल रही हूँ, और मेरा जीरा पकने पर ये देखिए मैंने ना टमाटर की प्यूरी बना ली है। पहले जितना टमाटर आप खाते हो उसके हिसाब से मैंने 4-5 टमाटर ले लिए थे छोटे छोटे, तो वो मैंने प्यूरी बना ली, और साथ में ये लहसुन और प्याज ये भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और जब मेरा ये तड़का तैयार हो जाएगा तो मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी लहसुन, ये देखिए मैंने डाल दिया लहसुन, और लहसुन पकने के बाद फिर प्याज डालूंगी। तो अभी मेरा लहसुन जो है वो पक रहा है, ये देखिए अच्छे से थोड़ा डार्क तो नहीं, थोड़ा ब्राउन करना है लहसुन। और अभी देखिए मेरा लहसुन भी तैयार हो गया था, और मैंने प्याज डाल दिया इसमें,
प्याज को भी हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, ब्राउन हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो फिर इसमें डाल दूँगी टमाटर, और यहीं पर ना प्याज पकने के बाद मैं डाल देती हूँ हल्दी और नमक तो डाला है पहले, पर ये जो मसाले डाल रही हूँ ना इसके लिए मैं हल्दी डालूँगी अभी, ये जो मसाले अभी डाले। तो ये मेरा प्याज भी जो अब वो पक गया है, और अभी मैंने इसमें ऐड कर दी है हल्दी और नमक डालूँगी, नमक भी थोड़ा डालूँगी क्योंकि नमक डालना है पहले, हल्दी भी डाल ली है उसी मसाले के लिए डाल रही हूँ। और अभी मैंने इसमें टमाटर की प्योरी डाल दी और ढक्कन लगा के बंद कर दिया है। और ये देखिए मेरा जो मसाला है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी मैं इसमें डाल दूँगी दाल जो बॉयल करके रखी हुई है, वो दाल डाल दूँगी। और ये देखिए अभी अंधेरा है यहाँ पर ना, दाल ऐड कर दी है मैंने, और ये दाल ना गाढ़ी है। मैं इसमें पानी डालूँगी क्योंकि इसको थोड़ा कड़ना है ताकि सारे मसाले अच्छे से इसमें ऐड हो जाएं, मतलब अच्छे से मसाले रच जाएं दाल में। और ये देखिए पानी डाल दिया था और अभी बॉयल आ गया है, अभी अच्छे से उबाल के फिर दाल हमारी तैयार हो जाएगी। और ये देखिए ये है हमारी दाल मखनी जो वो बनकर तैयार हो गई है। और अभी इसमें डालेंगे हम मक्खन, क्योंकि दाल मखनी है तो मक्खन तो डालना ही पड़ेगा, नहीं तो मक्खन के बिना कैसी दाल मखनी। तो ये मैंने मक्खन जो वो पिघलाने के लिए रख दिया है, इसको पकाएंगे नहीं, सिर्फ पिघलाना इस मक्खन को। और ऊपर से डालूँगी इसमें मैं लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च जो कलर वाली होती है ना वही मिर्ची डाली मैंने। और यहाँ लहसुन जो मक्खन जो वो पिघल गया, ये देखिए मक्खन मेरा जो पिघल गया, तो अभी मैं इसको डाल दूंगी दाल में। तो ये देखिए सारा पिघल गया था और अभी ये दाल में ऐड कर दूंगी, ये देखिए। और ऐड करने के बाद मिक्स कर दूंगी इसको और आँच कर दूंगी बंद। अभी इसको करने के बाद आँच बंद कर देंगे और अभी बचा है इसका लास्ट स्टेप। और लास्ट स्टेप जो है वो है इसमें क्रीम डालने का। तो मैं क्रीम बाज़ार की नहीं लाती हूँ, मैं घर में जो मलाई निकालती हूँ ना वही डालती हूँ हर चीज़ में। तो अभी मैं वही डालूँगी इसमें, ये देखिए वही डाल दी है। और ये है फिर मिला दूँगी इसको मैं, आंच बंद करके डालनी है ये मलाई ना, आंच बंद करके डाल दी। और ये देखिए अच्छे से मिक्स होगी और ये बन गई मेरी दाल मखनी। और इसके बाद हमने कर लिया लंच, और ये देखिए ये कर रहे हैं हम लोग लंच, ये मम्मी हैं और ये है हमारी प्लेट्स लगी हैं। तो आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए लंच हमारे साथ। लंच करने के बाद फिर सो गए थे, और अभी देखिए 4 बजे का टाइम है और बारिश देखिए आप लोग कितनी बारिश हो रही है। अभी 4 बजे 2:30 बजे की बारिश लगी है और ऐसे ही लगी है, बीच में थोड़ी थोड़ी रुक भी रही है। और ये देखिए कितनी ज़ोरदार बारिश हो रही है 4 बजे का टाइम है, अभी शाम के 4 बजे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, अच्छे होंगे। और आजकल के मौसम में ना अच्छे होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बरसात का टाइम लगा है और आजकल बीमारियां बहुत होती हैं और साथ में ये कोरोना। तो चलिए फिर केयर करिए सब अपनी अपनी। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 5:30 हो रहे हैं, और अभी मैं पी रही हूँ यहाँ पर चाय और साथ में मैं सब्ज़ी भी काट लूँगी। आज सब्ज़ी बनेगी हमारे यहाँ घीये की। तो चलिए फिर इसके साथ ही कर लेती हूँ मैं वीडियो की एंडिंग। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।